आपको आपकी जमीन का दुगना दाम दूंगी, पूरे 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़? आपकी हैसियत इतनी भी नहीं कि आप हमारे पुरखों की विरासत खरीद सको। बेअंत सिंह को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। उसकी मुझे कमजोर कड़ी मिल गई है। मतलब? बेअंत सिंह का पुत्र। देख लीजिए, राजविंदर कौर अटवाल से टकराने चले थे ना। जी मैं कुछ पूछ रही हूँ, पैसे कहाँ से आए? मैंने अटवालों को अपनी जमीन बेच दी। जी क्या कर दिया आपने? आपको पता है वो जमीन पापा जी और हम सबके लिए कितनी मायने रखती है। पापा जी के खिलाफ जाकर इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया आपने? आपने सोचा कि जब पापा जी को पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर? उन अटवालों को हमारी जमीन से क्या मतलब? अमृतसर की सबसे बड़ी फैमिली है वो, उन्हें जमीनों की क्या कमी? ईर क्या हो गया तुझे? एक बार ठंडे दिमाग से सोच। अरे ध्यान से देख, 3 करोड़ रुपए हैं। इससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, हम सारा उधार चुकता कर देंगे। अरे मैं कनाडा चले जाऊंगा, मेरे अकेले के लिए नहीं है पैसे, तेरी शादी में भी पैसे खर्च होंगे ना। अरे हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। हीर तू एक काम कर, तू ले पैसे, तुझे जितने चाहिए तू ले रख अपने पास। जमीन बेच के आए? ते तेरा बस चले ना, तो तू कनाडा जाने के वास्ते किसी दिन मैनू भी बेच देगा। आज मैनू यकीन हो गया कि मैंने पूत नू नहीं, मैंने कपूत नू जन्म दिता है। कपूत नू, पूत है तू। हम अटवालों को उनके पैसे लौटा देंगे और अपने कागज वापस लेंगे। हीर, मैंने 6 करोड़ में से 3 करोड़ उस कनाडा वाले चड्डा को दिए हैं पीआर के लिए। आपने 3 करोड़ चड्डा को दे दिए? कुछ लिखा पढ़ी करी उसने? अगर वो धोखेबाज निकला तो फिर क्या करेंगे हम? अरे हीर अपने भाई को इतना भी गलत मत समझ, हर कोई बस मुझे गलत ही समझता है। आदमियों की इंसानों की पहचान है मुझे। अरे बहुत अच्छा आदमी है वो। ठीक है, अच्छा आदमी है ना, तो फिर लगाइए फोन, देखते हैं पैसे मिलने के बाद वो आपका फोन उठाता भी है या नहीं। आज तो सच्चाई निकल आएगी बाहर। फोन उठाइए और लगाइए। क्यों नहीं उठाएगा फोन, पैसे लिए हैं उसने, ये देख। चड्डा फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन क्यों नहीं उठा रहा चड्डा? बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, हमारी जमीन के आए हुए पैसे लेके भाग गया वो। इससे पहले कि पापा जी को पता चल जाए, मैं पैसे लेने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कल सुबह होते ही हमें उस चड्डे को पकड़ना होगा। जी हेलो, आपकी जमीन पे किसी ने आपका बोर्ड उखाड़ कर
किसी रजविंदर कौर अटवाल का लगा दिया है। ओए, उन अटवालों की इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारी जमीन पर कदम रखने की? हम दिल्ली जा रहे हैं। हेल्प कर दूं? नो थैंक्स। जनैल तेजी दे बगैर ये काम नहीं होना सी। भाई सारा प्लान, ब्लूप्रिंट, प्रेजेंटेशन सब उसे नहीं बनाया। कमाल दी टैलेंटेड कुड़ी है। वैसे तुम दोनों कहीं घूमने क्यों नहीं जाते हो? हैं? एक बार ये डील हो जाए, यूरोप का टूर मार के आना, हैं? चल चलिए, आजा। थैंक यू पुत्र जी। और राजविंदर कौर अटवाल है कि तमाशा? और निकल गिरी तो जनरल, रुक जा। राजविंदर कौर अटवाल, पैसों का लालच देकर बात नहीं बनी तो आपने हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अरे कैसे जमींदार हो आप जो दूसरों की जमीन पर अपने खोखले महल खड़ा करना चाहते हो, और कैसे जट हो आप लोग जो मिट्टी की इज्जत करना नहीं जानते। जमीन आप जी दी अपनी जमीन? लगता है आपको पूरी कहानी पता नहीं है बेन सिंह जी। आपके लाडले पुत्र गुरमीत ने 6 करोड़ में हमसे उस जमीन का सौदा कर लिया है। और रही गल जिम्मेदारी दी, तो वो सलाह तुहाडे उते सूट नहीं करती। और जिम्मेदारी का पाठ आप हमें ना ही सिखाए तो अच्छा है, जो खुद अपनी जमीन की रक्षा नहीं कर पाया। चल जाने ले। आपके लाडले पुत्र गुरमीत ने 6 करोड़ में हमसे उस जमीन का सौदा कर लिया है। कितने हो सब बोला? पापा जी लगता है पापा जी को पता चल गया है कि मैंने जमीन बेच दी है। माफ करी आज पुत्र, अगर मेरे हाथों से आज तेरे स्वास्थ्य को कुछ हो गया तो। पापा जी, पापा जी, ओए पापा जी, मेरे पापा जी, ओए, ओए, ओए तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? क्यों नहीं मर गया तू? पापा जी, गलती हो गई। गलती हो गई? तेरे को गलती हो गई? मैं आज तुझे जान से मार दूंगा।
अज मैं तेनू नहीं छड़ना, मारी देंगे तेनू मैं। पापा जी नहीं, पापा जी प्लीज छोड़िए। पापा जी की कर रहे हो? गलती हो गई पापा जी, मेरे तो गलती हो गई। बंदूक नीचे करो पापा जी। पापा जी गोली चल जाएगी, मैं बैठा हूं आपका। आज मैं तन्नू नहीं छड़ना गुरमीत। शांत हो जा। समझ नहीं आउंदा कि पैसे दे लालची रिश्तेदार ते मेरे पुत्तर च की फर्क रह गया। तेनू रब दा वास्ता, अज तो बाद अपनी शक्ल ना दिखाई, मैनू ना दिखाई शक्ल प्लीज। बाबा जी प्लीज ऐसा मत बोलो, रिश्तों को तोड़ने में पल नहीं लगना, इस परिवार को सींचने में आपने अपनी सारी उम्र लगाई। जो हुआ उसका सामना हम साथ में मिलकर करेंगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल हमारे पास ना हो। जीते से बात करती हूँ, उसकी मदद से चड्डे तक पहुंच पाऊंगी। मेनू कुछ नहीं पता, कनेडा में बसने के लिए 5 करोड़ दे रहे। 5 करोड़ असी तो मॉन्ट्रियल विच ही रहेंगे। ये 5 करोड़ मैं वैंकूवर वास्ते ले आया। मॉन्ट्रियल में शिरवांगे। वैंकूवर मॉन्ट्रियल। मिठिए मेरी सत श्री अकाल जी।
जी मैं चड्डा, मैं आपको वैंकूवर के और मॉन्ट्रियल के सब दर्शन करा दूंगा, और फिर जहां आप सेटल होना चाहो सेटल हो जाना। आइए आप, आइए आइए। जी वैंकूवर और मॉन्ट्रियल के दर्शन यही करा देता हूं। देखो भी मॉन्ट्रियल ते वैंकूवर देख रहे हो तुसी? मॉन्ट्रियल में असली जिंदगी, वैंकूवर तो बड़ा फीका लग रहा है मुझे। ओ मैं क्या ना, वैंकूवर मतलब वैंकूवर ही जाना है, और मैं तो कम करना है, और तू सारा दिन कर ही रहना है। घर में क्यों रहूंगी? वो तू अगर बाहर घूमेगी फिरेगी तो मेरे लिए रोटियां कौन बनाएगा? हाय रब्बा, तुसी मेरे रोटी बनाने के लिए ले जा रहे हो? ओ ना जी ना, रोटियां बनाने वास्ते नहीं लेके जा रहे मैं पाडो, मैं तो कह रहा हूं मॉन्ट्रियल में ठंड लगेगी तेनू। अब तो गल पक्की है, असी मॉन्ट्रियल जावांगे। नहीं नहीं, असी वैंकूवर जावांगे। मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल। आप दोनों शांत हो जाओ, और मैं अपने टूर का पूरा पैकेज दिखाता हूं आप लोगों को। शांत जीते, क्या कर रहे हैं? कब से इशारे कर रही हो? बाहर जा, जाके पुलिस वाले के पास। केले छोड़ के नहीं जा सकता। तुझे जाना पड़ेगा। नहीं। जीते, जा। ऐ रखो जी। तुझे देख क्या रहे हो? जाओ जाके पानी ले आओ, मेरी बोतल बाहर पड़ी है। जाओ। पुलिस स्टेशन। हेलो जी, ए पैकेज। क्या सोच के उस अमले जाट के साथ आपने शादी की है? खूबसूरत हो, सुंदर हो, अब घर में के रोटी बनाने के लिए बनी है? छोड़ दो उसे, मैं आपको सिल्वर पैकेज के दाम पर प्लेटिनम पैकेज देता हूँ। कनाडा जाओ, वैंकूवर जाओ, मटेरियल जाओ, मैं भेज दूंगा आपको। जी हमारे पास पेपर्स नहीं है, इसलिए तो लड़ाई चल रही है। तो भैया पहले बताते मैडम जी, अब पेपर डॉक्यूमेंट्स की बिल्कुल चिंता मत करो, ये तो मेरा रोज का काम है। मैं आपको कनाडा, वैंकूवर, मटेरियल जहाँ चाहोगे भेज दूंगा, वो भी बिना पेपर्स के। और वैसे पेपर बना के भेजूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। वो ऐसे ही थोड़ा ना मैंने आधा पंजाब कनाडा भेज रखा है। दो तीन महीने में ऐसी भी चक्कर ला लिया करेंगे। अब नहीं लगेंगे तेरे कनेडे के चक्कर, अब तो तेरा जेल का चक्कर लगेगा। कैमरा? कौन है तुम? बंदूक की जरूरत ना उन्हें पड़ती है जो पिंड का घी नहीं खाते। बता जीते, इसका क्या किया जाए? मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, या फ्रॉड के केस में अंदर करवा दिया जाए? तुम जानते हैं मैं कौन हूँ? तू जो भी है कानून से बड़ा तो नहीं है ना? वकील बनने जा रही हूँ मैं, जानना चाहता है कौन से सेक्शन लगेंगे तेरे पे? सेटलमेंट करके छोड़ो ना बात। करूंगी सेटलमेंट करूंगी, लेकिन तेरे सेटलमेंट के पैसों के साथ नहीं, वो 3 करोड़ जो तूने मेरे गुरमीत वीर जी से धोखे से लिए हैं। तो गुरमीत की बहन है तू? और तो महंगा पड़ेगा मेरे से पंगा लेना। बकवास ना कर चट्टे, दस चेती पैसे कहाँ रखे तूने?
जीते। हाँ भाई जीता कौन आ? मैं हाँ जी। तुसी पुलिस बुलाई सी? हाँ जी मैं ही किता सी। तेरे कबूतर बाद चड्डा फड़ लेनू। आई फड़ लेनू। चीजें यहां वहां रख के भूल कहां जाता हूं यार। वॉलेट कहां रख दिया? आज आप कौन सी गाड़ी ले जाएंगे जी? लाल वाली या नीली वाली? आपको कौन सी वाली पसंद है जी? मुझे तो सिर्फ आप ही पसंद है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जहां देख रहा हूं बस वही नजर आ रही है। हीर जी, ये क्या पाठ पढ़ा दिया आपने मुझे? मैं किसी काम का ही नहीं रहा। वैसे हीर जी, वो तुसी इतनी समझदारी लांदे कहां से हो? जीते, अगर आज इसको सजा नहीं दिलाते ना, तो कल और बेकसूर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देनी थी इसने। तूने कल पापा जी की हालत नहीं देखी? अगर देखता तो पता चलता कि जब मेहनत की कमाई लूटी जाती है तो कैसे दिल टूटता है। फिर भी मुबारक जी, आपका प्लान काम कर गया। ये तो इंटरवल तक की पिक्चर थी, आधा प्लान तो अभी बाकी है। हेलो। हेलो अटवाल मैडम जी, मैंने बेन सिंह जी के जमीन के बारे में बात करनी है। पर मैंने कोई गल नहीं करनी, वो जमीन अब अटवालों की है। उलझाओ अनु। फोन काट दिया तो हमारी जमीन ले ली, ऊपर से फोन काट दिया। आज तो अटवालों के घर जाना ही पड़ेगा।